नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज की कड़ी ओके ही रही, कुछ खास नहीं था आज की कड़ी में। अनुपमा की कड़ी में बहुत सारे पॉइंट्स थे जो अपनी अपनी दिशा में चल रहे थे, जैसे कि पाखी का आना, माया का रोना, बरखा का भड़कना, ये सब पॉइंट्स अपनी अपनी दिशा में चल रहे थे। बीच में अधिक का पाखी पे चिल्लाना, वनराज और बा की बेइज्जती होना, ये सारे पॉइंट्स पे हमने चर्चा की है आज पूरा दिन। और अब आपकी बारी है इन पॉइंट्स पे बात करने की। कुछ को लगता है कि ये जो हो रहा है इसमें अनुज और अनुपमा फिर से अलग ही हो जाएंगे, माया मिलने नहीं देगी, जो काफी हद तक पॉसिबिलिटी है क्योंकि माया अपना हर त्रिय चित्र अब दिखाएगी। मगर आपकी आवाज में सुनते हैं कि आप लोग क्या कह रहे हैं इस सब के बारे में, आज की कड़ी के बारे में। तो शुरू करते हैं सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जिनको अपना वॉइस ओवर या फिर अपनी बात कहनी है वीडियो के जरिए, वो इस नंबर पे भेज सकते हैं अपना ऑडियो या वीडियो। नंबर है 9833155523। तो इस नंबर पे भेजिए, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल अटेंड नहीं होती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला, और पहले सबसे आपको सुनाती हूँ मैं मनीषा दोषी का ये ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं मनीषा दोषी, आज आपका हंगरी स्पिरिट प्रोग्राम देखा। अनुपमा सीरियल मैं नहीं देखती हूँ, मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम ही मुझे अच्छा लगता है। आपके बोलने का तरीका, समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज आपने बताया कि पाखी को प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, उसको शाबाशी मिलनी चाहिए थी, उसकी जगह वनराज और बा उस पर चिल्लाने लगे, उस पर टूट पड़े। और जब पाखी ने सवाल किए तब वो दोनों चुपचाप हो गए। आज कौन सा पिता अपनी शादीशुदा बेटी को सही क्या है, गलत क्या है? अभी वो सही है तो वो क्यों समझा रहा है कि तू गलत है? जब गलत होती है तब तो वनराज कुछ बोलता नहीं है। और बापूजी का चुप रहना आज, ऐसे बुजुर्ग होते हैं। और लीलाबा से भी मुझे पूछना है कि अगर यही सब आपकी डॉली के साथ में हुआ होता जो आपने अनुपमा के साथ किया है, तो क्या करती, क्या रिएक्शन होता आपका? क्या आप अपनी बेटी और दामाद को मिलने से अलग कर देती, उनको कहती कि आप अलग अलग रहो, मेरा फायदा इसमें है? और दूसरे वीडियो में आपने बताया कि अब हथियार बरखा का दूसरा हथियार डिम्पी के बाद अधिक बना। अधिक तो पहले से ही उसका हथियार था बरखा का, और पहले से ही वो तो उसने शादी ही इसलिए की थी पाखी से कि वो अनुपमा को ब्लैकमेल करके उससे सब कुछ अपने नाम करवा सके। और पहले भी वो फ्लैटिंग करता था वहाँ से, यूएस से आने से पहले भी वो उसका ऐसा ही कैरेक्टर दिखाया गया। बीच में उसका सुधरने का या नाटक था या क्या था पता नहीं। और अनुज ने माया को अच्छा जवाब दिया, लेकिन इतने दिनों में एक प्रश्न मेरे मन में आया, सही है कि गलत मुझे मालूम नहीं है अनुजी। अनुज ने माया को ये कहा कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आया, मैं अपने दोस्त के घर धीरज के घर रह रहा, और ना ही मैंने कभी तुमसे प्यार किया है, मेरी लाइफ में दो ही औरतें हैं, तो इतने दिनों में धीरज क्यों नहीं दिखाए गए? क्यों माया को किचन में काम करते हुए इन लोगों की केयर करना है, मेरे को ऐसा है वैसा है, ये क्यों दिखाया गया? ये मुझे गलत फहमी हो रही है कि सच में ऐसा दिखाया गया है? और मैंने कहीं पे देखा था कि लीप के बाद 6 कलाकारों की, बा, बापूजी, अधिक, छोटी अनु, माया, ऐसे 6 कलाकारों की एग्जिट हो रही है। अगर अधिक और पाखी का डिवोर्स होगा तो ये अनुपमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम माए अपना दुख कैसे भी सहन कर लेते हैं,
अनुपमा खुद 2 बार टूट के भी उसको उसकी माँ ने सहारा दिया, वो खड़ी हो गई। लेकिन अगर पाखी के ऊपर कोई भी दुख पड़ा या पाखी को जिस तरह से अधिक को जिस तरह से बरखा ने मैनिपुलेट किया है, अगर अधिक उसकी बात में आके उससे तलाक लेगा या उसकी ज़िंदगी में कुछ ख़राब होता है, यहाँ तो वनराज तो पहले ही ठाने बैठा है कि वो उसका बदला अनुज से लेगा और अनुपमा सहन नहीं कर पाएगी। हम बार बार अब अनुपमा को टूटते हुए नहीं देखना चाहते। धन्यवाद अंजू जी, क्या मेरी बात सही है या गलत प्लीज़ मेरे को बताइए, क्योंकि मेरी राय गलत भी हो सकती है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। धन्यवाद अंजू जी। नमस्ते अंजू जी, आपने बरखा को विलन कहा, नागिन कहा, लेकिन ये तो नागिन से भी बदतर है। नागिन और डायने भी साथ घर छोड़ देती है, अपने घर को तो नहीं डसती। ये वैसे तो अधिक को अपना भाई कम बेटा मानती है, आज वो उसका भी अच्छा नहीं सोच पा रही है। और सारा के लिए बारे में तो उसको कभी कहते ही नहीं सुना। और बापूजी की तरह अंकुश भी आज चुप रह के बरखा को प्रोत्साहन ही दे रहा है। नमस्कार, थैंक यू मंजू जी। सही कहा है आपने मनीषा जी, क्योंकि जो आपने कहा है कि अनुज किसके घर पे रह रहा है, ये कंफ्यूजन है। तो वाकई में ये कंफ्यूजन है। अगर बीच में कुछ ट्रांजिशन दिखा देते तो ये कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि एस्टैब्लिश शुरू में ये कर दिया था कि धीरज उसे अपना घर देके जा रहा है कि तू यहाँ पे रह। और अनुज कभी माया के घर पे होता है, क्योंकि जब छोटी होती है तो वो माया के घर में समझा जा रहा है कि वहां पे है, और जब छोटी नहीं होती है, अकेला होता है, तो अपने घर पे। मगर अपने घर पे यानी कि धीरज के घर में वो कम ही दिखाई दिया, और ये कुछ अलग हो नहीं पाए घर दोनों, क्योंकि हमें बाहर से देखने से यही लगा कि अनुज माया के ही घर में है। तो आपका बिल्कुल कंफ्यूजन सही है, ये क्लियर नहीं हुआ है। बाकी आपने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है, और मेरी तबीयत पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अगला ऑडियो है त्रिपाठी जी का। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, मैं कुमुदनी त्रिपाठी। सीरियल देखा, सीरियल की शुरुआत हुई वही बाकी बकबक से, बाकी बातें फिर शुरू हैं, कैसे होगा क्या होगा शादी की बातें। समर का सजेशन फिर भी सही था कि चलो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, पैसे नहीं हैं। बाबूजी फिर संस्कृति पर भाषण देते हुए नजर आए, पर बाप पर कोई भाषण कभी नहीं देते हैं, बाप की जबान पर कभी कोई कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब चुप्पी साध लेते हैं। पाखी का शाह हाउस में एंट्री और बाप का पारा हाई, बाप और वनराज दोनों ने पाखी से उलझने की कोशिश की, पर पाखी ने सही जवाब दिया। अनुपमा पागल है, अनुज का इंतज़ार कर रही है। इतनी आसानी से अनुज माया के जाल से छूटकर आने वाला नहीं है। बरखा की कंडीशन देखकर अच्छा लग रहा है, टैबलेट पर टैबलेट खा रही है। बरखा भूल जाती है कि जो कुछ भी हड़पने की कोशिश कर रही है वो सब अनुज अनुपमा का है। बरखा अब पाखी के खिलाफ जहर भर रही है अधिक के मन में। कितनी बदतमीज औरत है बरखा। अंकुश ने सही कहा, अपने ही घर में कौन आग लगाता है। अंकुश जो है बरखा का कुछ क्यों नहीं कर पाता है, इसकी बदतमीजियों पर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहा है अंकुश। वनराज भी पाखी पर भड़क रहा था, उस पर अधिक भी आ गया ऊपर, बहन के भड़काने पर भरा हुआ। बरखा ने अपना पूरा काम कर दिया है, अधिक के मन में जहर भर दिया है अच्छे से। पाखी ने अपने पापा को अच्छे से समझा दिया है। जब पाखी ने कहा बा और बनराज से कि आप दोनों एक दूसरे की कसम खा के कहिए कि आप दोनों अनुज और मम्मी को अलग नहीं करना चाहते थे, तब एक दूसरे की कसम उन लोगों ने नहीं खाई, क्योंकि वो लोग यही चाहते ही थे। बरखा ने बहुत अच्छे से अधिक के मन में पाखी के खिलाफ जहर भर दिया है, और वैसा ही अधिक कर भी रहा है। पाखी ने अच्छा बोला, एक बार अनुज और मम्मी आ जाएं
तो बरखा को धक्के मारकर घर से बाहर निकालूंगी। उस पर अधिक कितनी तेज भड़का था, उसको ये नहीं दिख रहा है कि बरखा कर क्या रही है। बहन भाई दोनों एक जैसे हैं, बदतमीज। अनुज की पैकिंग देखकर माया अचंभित है। अनुज ने कहा, मैंने किसी की नहीं सुनी, हमको सब ने समझाया, लेकिन छोटी और पाखी ने हमको अच्छे से समझाया तो हमें सब समझ में आ गया। माया अपने प्यार का इजहार कर रही है, पता नहीं क्यों अनुज सुन रहा है उसकी बकवास। अनुज ने क्लियर कर दिया माया को कि हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता है। अनुज के जीवन में सिर्फ दो ही हैं, एक मेरी पत्नी अनुपमा और मेरी बेटी अनु। लेकिन माया इतनी आसानी से समझने वाली नहीं है। अब उसका अगला पैतरा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी, आपने एक एक सीन को बकायदा अपने शब्दों में पूरी तरह से बता दिया है। और थैंक यू सो मच, आपका वॉइस ओवर सुनने के बाद लगता है कि पूरा एपिसोड ही हमने एक फ्लो में देख लिया। धन्यवाद बहुत बहुत। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। अगला ऑडियो है वर्षा का। हेलो अंजू जी, आज के शो के बारे में बोलूंगी कि वनराज का बहुत घटियापन दिख रहा है। इतने बार साबित हो गया कि उसके मन में क्या है और वो क्या कर रहा है, कितनी गलत काम कर रहा है बाहर वनराज। तो ये सब बहुत गलत चाह रहा है वो, और एक अपने पूरे भरे पूरे परिवार के सामने इतनी ओछी हरकतें करना बहुत ही घटिया बात है, बहुत बेकार लगता है सब देखना। और इनका तो बढ़ते जा रहा शादी जैसे संस्कार के बारे में भी कुछ भी गलत बोलती, बा कुछ भी जो मुंह में आता बकते रहती है, बेकार औरत है वो। और अधिक के बारे में बोलूँगी कि अधिक तो बिन पेंडी का लोटा है, पहले से ऐसा है। जब वो आया था उसी उद्देश्य, दोनों भाई बहन की अनुज की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगेंगे, वो करेंगे। फिर उसने जब उसको पता चला कि सब अनुपमा के नाम से है और अनुपमा के सामने अपनी दाल गलने वाली नहीं, तो उसने प्राथी से प्यार करके शादी की। और शादी के बाद उसने अपनी गलती मानी और अपना दिल भी जीता, और उसको पता था कि कहीं ना कहीं तो अपन धीरे धीरे इधर ही आगे बढ़ जाएंगे, वही उसके मन में था। और जो हमको नहीं दिखा रहे थे पर समझ में आ रहा है वो। और अब जब पता चला कि अनुज अनुपमा चले गए तो अपनी बहन के साथ मिल गया, तो कभी सही था ही नहीं, मुझे लगा ही नहीं, और अब तो क्लियर हो गया। और माया और अनुज के बारे में बोलूँगी कि माया गलत ये तो करेगी, मालूम भी था कि उसके पास एक ही हथियार है उसकी बच्ची, तो वो ऐसा कुछ करेगी, किडनैप करके वगैरह छुपा देगी जो भी। तो अभी मुझे ये नहीं लगता सही, क्योंकि यानी करेगी वो, पर वो जल्दी सामने आ जाएगा, बहुत जल्दी अनुज के सामने आएगा, क्योंकि अब अनुज समझ गया है कि इन्होंने मेरे को दूर करने के लिए जो प्लानिंग की है बरखा के साथ मिलके, तो उसके दिमाग में वो चल रही थी ना बात आज, तो वो सब उससे समझ में आएगा। और खुद माया ने एक गलती कर दी ना कि आज उसको रोकने की कोशिश की, बोला रुक जाओ, और उसने फिर से अपना ये कर दिया और अपनी वो सब बातें बोल दी, तो उससे भी उसके समझ में आएगा कि माया फिर कुछ मेरे साथ प्लानिंग कर रही, और वो जल्दी समझ में आ जाएगा उसको, उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा तोड़ने में। तो वो और इस बात से भी कि वो ज़्यादा ट्रैक लंबे नहीं खींचेगा, इसलिए नहीं खींचेगा क्योंकि वो जानता है। और अभी जो दिखा रहे मैकर की कांता बहन परीक्षा लेगी, वन उसको तसल्ली के लिए जो भी करेगी, तो इसका मतलब वो आने वाला है। और शायद मैसेज भी आ गया अनु को आज कि मैं आ रहा हूँ, तो उससे बोला भी कि मोबाइल को देखे कि मेरे अनु जा रहे हैं माँ, तो वो सब ऐसा लग रहा है कि आएगा। और यहाँ आने के बाद माया बरखा और अनु कहते वनराज ये फिर उनको इस परीक्षा में जो रहेगी शर्त रखेंगे, अलग रखेंगे इसको इन लोग दोनों को, तो इन लोग फिर कोई षड्यंत्र करेंगे, फिर ये कोशिश करेंगे ऐसा दिखाएंगे, वो शादी पे ही ट्रैक दिखाएंगे, शादी के साथ ये तीनों का फिर कुछ ना कुछ रहेगा, अधिक भी शामिल रहेगा उसमें, ये सब दिखाएंगे वो। यहाँ माया फिर साथ में आने की करेगी वो, छोटी के बहाने की शादी है तो मैं भी आती हूँ, छोटी का मन है, छोटी की इच्छा है, फिर मैं अकेली क्या करूँ, ये सब नाटक करेगी वो। यहाँ आएगी और यहाँ नए तरीके से इन लोग अलग तरीके से ये सब कुछ करेंगे, ऐसा कुछ दिखाएंगे ऐसा मुझे लगता है। आई होप सो, मेकर क्या मन में क्या चल रहा है वो तो उन्हीं को पता है। थैंक यू अंजू जी, सही सीन बनाए हैं आपने वर्षा जी, बकायदा आपने समझा है हर करेक्टर को, और सही में आपने धारावाहिक को धारावाहिक की तरह देख के अपनी बात कही है, तारीफ करूंगी आपकी।
और सही में आप दिशा पकड़ के बैठी हुई हैं और इस तरह से ही आगे होने की उम्मीद भी है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो का वर्षा जी, धन्यवाद। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आपका स्वास्थ्य कैसा है? ध्यान रखिएगा अपना। आज का एपिसोड मैंने देखा, मेरे को एक बात बोलनी थी। जब अनुपमा ने तलाक दे दिया तो वनराज और बा इस तरह से क्यों अधिकार दिखाते? क्या अधिकार है उनका? एक बच्चे है इसलिए, बच्चों का तो वो कर रही है, बच्चों का जैसा करना चाहिए जो करना चाहिए वो कर रही है सब कुछ, पर बा और वनराज तो भौतिक और बरखा भौतिक घटिया और नीच हरकत कर रहे हैं। उनके साथ अब अधिक भी मिल गया है, मतलब अधिक भी किस तरह से व्यवहार कर रहा था पाकि से। जब वनराज का कोई अधिकार नहीं, कोई ये नहीं, तो वो किस हिसाब से ही और किस इससे ये कर रहा है? उसने अपने मन से शादी करी, तब अनुपमा ने उसको तलाक दे दिया। अब उसका हक काव्या पे है, काव्या की तरफ ध्यान देना, अनुपमा की तरफ क्यों ध्यान दे रहा है? अनुपमा की खुशी देखी नहीं जाती है क्या? और बा एक औरत और नाम पे धब्बा है। उस बा की बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो बा खुश होती क्या? बेटी बोल देने से बेटी नहीं बनती है, उसका करना भी पड़ता है। कितनी नीच हरकत कर रही है बा, बहुत नीच। माया भी अपना अलग ही अलाप रही है अनुज से, कह रही है मेरे को तुम चाहिए। क्यों चाहिए भाई? तुम्हारी औकात क्या है और कहाँ से आई हो तुम? हाँ, किसी का घर तोड़वा के अपना घर बसाना कोई सुखी थोड़ी रहता है। हा? पर अब मेकर ने है ना बहुत लंबा खींच लिया, मालूम नहीं अनुपमा और अनुज को कब मिलाएंगे। अब इन सब की नाक को टेस्टते हुए एक मिलाओ, प्लीज़ मिलाओ, बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा खींच रहे। समर कह रहा है कि कोर्ट मैरिज करेंगे, पैसे नहीं है। क्यों, इतनी गरीब है? हाँ, वो मायके जाके बैठी है, वो वहाँ जाके बैठी है। अरे तो तुम होते कौन हो उसको ये करने वाले? क्या हक है तुम्हारा? मेरे को तो है ना अब ये देखने में भी घीन आने लग गई और चीड़ आने लग गई है, बहुत ज़्यादा चीड़ आने लग गई है। प्लीज़ आप मेकर से बोलो कि बहुत हो गया, अब अनुपमा और अनुज को मिला दो, कम से कम उनका कुछ तो अच्छा दिखा, उनको मिलाओ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, कांताबेन की चिंता जायज है क्योंकि वो एक माँ है, हर माँ अपनी बेटी के लिए ये रहेगी और हर माँ ने रहना भी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अगर बेटी को दो बार ये हो गया, पहले तो वनराज नालायक ने ये किया और अब अनुज ने भी, ये अनुज ने भी उसके साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं किया। अब अनुज माया के सामने बोलता है कि मैंने सामने गलत किया, बहुत गलत किया। हाँ, कांताबेन जानती है अनुज भी उससे प्यार करता है, प्लस अब उनको मिला दो और कांताबेन भी मान जाए, प्लीज़ प्लीज़ मेकर प्लीज़। थैंक यू अंजू मैम। रेखा सिपाही जी, थैंक यू सो मच, आज काफी क्लियर है आपका ऑडियो और आपने जो कहा है कि कैसे अधिक के बारे में आपने बोला है, बिल्कुल सही है। और बरखा का घटियापन तो सच में बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तारीफ है उस एक्ट्रेस की जो इस घटियापन को पूरी तरह से डिलीवर कर रही है। थैंक यू सो मच रेखा जी, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आज का देखकर तो समझ में आ गया कि अनुज जाने के लिए रेडी अपना बक्सा पैक कर रहे थे, अपना पैक कर रहे थे बक्सा कि जाए और तैयार हो। उस समय बाय जिस तरह जिस नज़र से देख रही थी कि कैसे रोकूं अनुज को, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा भी प्यार देखिए ना। जब अभी सिर्फ अपनी बेटी और अनुपमा से प्यार करता तो कैसे वो रुकेगा? वो नहीं रुकेगा। और आपने जो कहा है कि अपनी बेटी को बचाने के लिए वो रुक भी सकता है, मैं तो स्पेशली चाहती हूँ बेकर से कि मुंबई पहुँच जाए अनुपमा और अनुज और छोटी अनु को वो खुद ले आए। अगर ये पॉसिबिलिटी अगर मेकर्स दिखाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और सेकंड थिंग, जो डिम्पी की बात आपने अधिक और पाकी के बारे में कहा है, अधिक बोलते ना मजनू, बहन का मजनू वो हो चुका है, बहन जैसे बोल रही है वो वैसे कर रहा है। उसे ये बुद्धि नहीं है कि मुझे अनुज ने इतना सपोर्ट किया था, जब मेरी बहन तो साथ ही दी थी, मेरा कोई फैमिली साथ ही दिया था, अब दोनों का सपोर्ट करने के लिए अनुज और अनुपमा ही आगे निकले थे।
अच्छाई करते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ अच्छाई करने वाले ही हमेशा थोड़ा तकलीफ ज़्यादा झेलते हैं, बुराई करने वाले ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलते, वो आगे निकल जाते हैं। पर यही चीज़ बेकर से दिखाना चाहती हूँ कि प्लीज़ नेगेटिविटी को ख़त्म करिए, पॉजिटिविटी को लाइए, पॉजिटिव लाइए, उसे नेगेटिव मत दिखाइए। और बा और वनराज के बारे में तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं अनुपमा के, कि अनुपमा कैसे अपने घर में बहू बना के लेके आए। अरे थोड़ा तो शर्म कर लो, औरत भी कोई चीज़ होती है, इंसान है, कोई खिलौना नहीं। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सीरियल में क्या दिखाना चाह रहे हैं बेकर्स, आई डू नॉट थिंक अस, लेकिन इस बार अनुज और अनुपमा नहीं मिले तो बाय गॉड की कसम ये प्रोग्राम देखना बंद कर दूंगी। सच में रिडिकुलस होते जा रहा है कि वो जाल पे जाल बुनती जा रही है और अनुज उसी में फंसते चला जा रहा है। अरे यार बेटी है, बेटी को भी टार के ले जाओ, और जब पता है कि जाना ही है तो स्कूल मत जाने दो कि नहीं अब वहाँ पर तुम्हारा स्कूल का एडमिशन करा दूंगा, चलो वहीं पर पढ़ना, आराम से बची जा सकती है, किस बात पर रुका है वो। और मुंबई से अहमदाबाद जाने में कितना देर लगता है, जिसपे पाकी ने कहा कि हर 2 घंटे में फ्लाइट है, बस है, ट्रेन है, आपको जैसे चलना चलिए बड़ी, लेकिन मेरे साथ चलिए, चल जाते, लेकिन रुके किस लिए। लेकिन बेकर्स को ये चीज़ करना है कि उल्टा ही दिखा रहा है, जब तक वो उल्टा नहीं दिखाएंगे तब तक उन्हें चैन नहीं आएगा। हाँ मैं अनुज अनुपमा की जोड़ी को सलाम करती हूँ कि दूसरे को दूर होते हुए भी प्यार कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, बस नफरत ना करें। और अब तो एक टास्क जो मैंने आपको बताया था कि देना ही पड़ेगा, उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि मैं जो कही थी वो सही था कि नहीं, अपना जो एक्सपीरियंस आपको दी थी वो सही था कि नहीं। और रियलिटी में ये बात आपने जो कही है कि घर के लोग ही साथ देने के लिए सही होते हैं और घर के लोग ही घर फोड़ने के लिए रेडी रहते हैं, घर का भेजी जानता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम बरखा अब तो सीख ले कि कम से कम मुझे गलती नहीं करना चाहिए। अंकुश समझा रहा है अधिक को पढ़ाती जा रही है, अपना शादी तो खुद बचा नहीं सक रही है, और पहली बात अधिक का घर भी बर्बाद करने में लगी है। जब खुद को घर से धक्का दे के बाहर निकाला जाएगा, और वो बेटा और जो पत्नी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला चीज दिखाया गया था, वो पत्नी और वो बच्चे को ले आए, तब उसे एहसास होगा कि अनुपमा पर क्या बीत रही है। जब खुद पर नहीं बीतती है ना, तो वो नहीं समझ पाएगा कि वो नहीं समझ पाएंगे कि मेरे ऊपर क्या बीतेगा। इसलिए एक बार तो ये ट्रिक अपनाना ही चाहिए अंकुश को कि मैं वो बेटे को वापस ला रहा हूँ और वो पत्नी को वापस ला रहा हूँ जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तब उसे एहसास होगा कि नहीं 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 मेरी गलती है, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, मुझे तो कपाड़ियस का नाम भी चाहिए और अंकुश भी चाहिए। तब समझ में आएगा ये जो पुरानी फालतू हरकतें कर रही है, पैसे की लालच कर रही है, तब उसे अकेला आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। प्लीज़ मेकर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नेगेटिव मत दिखाइए, पॉजिटिव दिखाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और ऐसा मत करिएगा कि अनुज वहाँ रुक जाए, ये नेगेटिव नहीं चीज़ देखना चाहते, बस माया का ट्रैक बंद कर दीजिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। प्लीज़ माया को बाहर निकालिए शो से, छवि पांडे मुझे देखना नहीं है सीरियल में, बाय गॉड की कसम, या तो छवि पांडे को निकालिए, अगर वो नहीं निकलती है, अगर आपको नहीं निकालना है तो प्लीज़, मैं कैरेक्टर के बारे में और एक्टर्स के बारे में उल्टा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज सच में वो एक्ट्रेस को सच में फील नहीं हो रहा है कि मैं ये सेट पर काम कर रही हूँ, कितने लोग मुझे ट्रोलिंग कर रहे हैं, कितने लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे, प्लीज़ मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन वो भी आराम से पैसे कमाने के चक्कर में वो इस तरह का कैरेक्टर यूज़ कर रही है। आई डू नॉट थिंक मुझे छवि पांडे एकदम पसंद नहीं आ रही है शो में। और शुभ लाभ इतना अच्छा लगता था कि वो लक्ष्मी का रोल कर रही थी, आई विल वेरी अपसेट कि वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, मैं बार बार देखती थी उनका चेहरा, अब लेकिन लगता है कि कौन सा चेहरा आ गया, ये माया वाला ट्रैक सच में नहीं पसंद आ रहा है। प्लीज़ 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 इन्हें छवि पांडे को निकाला जाए इस शो से, प्लीज़ पांडे। तो महिमा जी आपने पूछा है कि मैंने वो टेस्ट वाली बातों का क्या सोचा है, क्या मैंने उसके बारे में समझा है, तो मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि ये जो टेस्ट है ये इस तरह से ही होने चाहिए कि दोनों इक्वली दिखें, मगर ये
तब है जब हम शादी करने वाले हों या किसी के साथ रिश्ता या अरेंज मैरिज की बात हो, जैसे कि आपकी। मगर यहाँ पे अरेंज मैरिज नहीं है, एक ऐसी मैरिज है जो 26 साल के प्यार के बाद आई है और फिर एक डिस्प्यूट हुआ है और उसके बाद अब कांता बेन टेस्ट लेने की बात कर रही है। वो भी हमने कही है, कांता बेन ने नहीं कही है। कांता बेन ने सिर्फ कहा है कि अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट होके ही ये अपनी बेटी को ससुराल भेजूंगी। तो देखते हैं कैसे वो करती है। मगर ये जो आपने कहा है कि पति को भी हर मुसीबत में, पीरियड्स में, सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग करके ही आपके हिसाब से उनका साथ देना चाहिए, तो मैं तो इस बात को मानती हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। और ये जो टेस्ट है आपने के साथ भी हुए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कल वाले ऑडियो में, कल भी मैंने कहा था कि आपके एक्सपीरियंस काफी अच्छे होते हैं, तो थैंक यू सो मच। बाकी आपने कहा है कि एक्ट्रेस को निकालो इस शो से, पैसा कमाना ये वो सब, तो मुझे इसमें सिर्फ आपको एक ही करेक्शन करनी है कि मैं खुद इस लाइन से हूं तो मैं ये चीज समझती हूं कि एक्ट्रेस को सिर्फ करेक्टर दिया जाता है और करेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर की होती है। एक्टर को अपना काम करना है, एक्टर को अपना 100% देना है और उसमें माया कहीं भी चूक नहीं रही है। जितनी आप लोग माया से नफरत कर रहे हो उसी में माया की करैक्टर की जीत है, क्योंकि वही उसको करने के लिए कहा गया है, वही बरखा की जीत है। यही तो करैक्टर्स होते हैं आजकल हम लोग जो देखते हैं, जो पिछली फिल्मों में याद रखते हैं, अमजद खान एज ए विलन या बिंदु एज वैम्प और बाकी सबको हम उन फिल्मों में देखते हैं, तो हम आज उनको उसी तरीके से भी याद करते हैं, तो इसलिए उनकी कामयाबी उसी में होती है। तो ऐसा नहीं है कि एक्ट्रेस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर उसको कोई ट्रोल कर रहा है तो वो छोड़ दे। ये ट्रोल करने वालों को सोचना चाहिए कि हमें ट्रोल एक्ट्रेस को नहीं करना है, उस करेक्टर को करना है। तो एक्ट्रेस की कोई गलती नहीं है मेरे हिसाब से, माया अच्छा कर रही है। अगर किसी को बदलना है तो वो राइटर को माया का करेक्टर आपके हिसाब से करना है। और अगर सब पॉजिटिव ही हो लाइफ में तो भी मजा नहीं आता है अहिमा जी, पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ ही चलते हैं। हमें क्या देखना है, हमें क्या समझना है, वो हमारे ऊपर है। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, इस धारावाहिक में भी नेगेटिव में आप देखते हो कितने लोग हैं, वनराज है, बा है, डिम्पी अब सुधर गई है, पहले वो भी थी, फिर पाखी सुधर गए पहले वो भी थी, और फिर तोशु था वो भी सुधर गया है ना, और बहुत सारे जो कुछ करेक्टर्स है जो नेगेटिव है, मगर पॉजिटिव करेक्टर्स भी तो है और ऐसे भी है जो नेगेटिव से पॉजिटिव हुए हैं, तो उनसे हम क्यों नहीं सीख पा रहे, हम क्यों माया पे ही और बरखा पे ही क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो मेरा मतलब यह है कि सीखना हमें है, हमें चूज करना है कि हमें क्या सीखना है। किसी को अगर हम इस कदर नफरत करें कि आंखों से सामने ही हटा लो, तो वो नफरत उससे नहीं है, नफरत हमारे अंदर है, तो उस अंदर वाली नफरत को खत्म कीजिए। सब लोग एक ही जैसे होते हैं, कोई अच्छा ज्यादा अपने अंदर देख लेता है, कोई बुरा ज्यादा अपने अंदर देख लेता है और वही बाहर दिखता है। बस मैं यही कहूंगी। थैंक यू सो मच महिमा जी आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोस, कैसे लगे आपको? जरूर अगर आपका मन कर रहा है ऑडियो भेजने का या वीडियो भेजने का, तो नंबर फिर से मैं आपको बता देती हूँ, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.